गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। आई एम अ कंप्यूटर टीचर सुनजीत सर। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 5, एमएस पावर पॉइंट एडवांस फीचर्स। ओके सो लेट्स स्टार्ट। हियर यू कैन सी द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। इन माय प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अप टू इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट, इंसर्टिंग शेप्स, फॉर्मेटिंग शेप्स, rearranging the these slides. Okay, so let's start today's discussion. Here you can see the inserting smart art. So smart art is mainly a tool. Okay, smart art is mainly a tool to create an organized visual presentation. A person can present information in form of pyramid, hierarchy, matrix and list. दिस हेल्प्स कॉन्वे इन्फॉर्मेशन इजिली एंड इफेक्टिवली। दैट मीन्स जो कि हम लोग कोई भी डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम लोग पिरामिड से, हायरार्की से, मैट्रिक्स से, उसको यूज़ करके हम लोग जो प्रेजेंटेशन है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ताकि क्या होगा, जो हम लोग ईजी से कोई भी चीज़ अगर हम लोगों ने डेटा डाला है तो उसको हम लोगों को आसानी से समझ में आए। ओके द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी इंसर्ट स्मार्ट आर्ट इन प्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन एंड क्रिएट प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint। देन क्लिक ए स्लाइड टू व्हिच यू वांट टू इंसर्ट ए स्मार्ट आर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना होगा, इस MS PowerPoint को ओपन करना होगा और जिस स्लाइड में आप लोगों को वो स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है उस स्लाइड को पहले सिलेक्ट करना होगा। ओके देन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। ओके उसके बाद हम लोग इंसर्ट टैब में जाना होगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन ग्रुप विल अपियर ऑन द रिबन। इलस्ट्रेशन जो ग्रुप है उसके जो रिबन होता है, जो रिबन मीन्स ग्रुप ऑफ टूल बार्स, वहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप है उस पर जाना होगा। नेक्स्ट क्लिक ऑन द स्मार्ट आर्ट। ओके उसके बाद हम लोग को स्मार्ट आर्ट में क्लिक करना होगा। चूज ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स डायलॉग बॉक्स विल बी अपियर। हेयर यू कैन सी द डायलॉग बॉक्स इज हेयर। ओके एंड यू कैन चूज एज पर योर चॉइस, एज पर योर कॉन्टेंट। ओके सो चूज ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। सिलेक्ट टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट फ्रॉम द लिस्ट लिस्ट डिस्प्ले ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डायलॉग बॉक्स। ओके हियर यू कैन सी ऑल लिस्ट प्रोसेस साइकिल हायरार्की। ओके सो यू नीड टू चूज फ्रॉम हेयर। ओके सो फर्दर सिलेक्ट फ्रॉम द सब डिजाइन डिस्प्ले लिस्ट। Lastly, click on the OK. Here you can see the OK option is here, and you can click on the inside the smart art box to add or edit text. Okay, that means आप लोग जब भी कोई भी अगर स्मार्ट आर्ट ले लिया है उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे क्लिक करके उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसको ऐड करना होगा। ओके सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स टू बी फॉलोड टू इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग शेप्स। ओके इंसर्टिंग शेप्स, शेप्स मीन्स ए वैरायटी ऑफ शेप्स लाइक स्टार्स, बैनर्स, कॉल आउट्स, कनेक्टर, लाइन्स, एरोस। ओके दिस शेप्स मेक प्रेजेंटेशन मोर इम्पैक्टफुल। दैट मीन्स जो हम लोग प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं उसको मोर अट्रैक्टिव और मोर इफेक्टिव जो जो हम लोग कर सकते हैं वो शेप से भी कर सकते हैं। ओके सो द शेप्स आर कैटेगोरीज एज लाइन, रेक्टेंगल, बेसिक शेप्स, ब्लॉक, एरोज, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट्स, स्टार्स, बैनर्स। ओके सो हेयर यू कैन सी द स्टेप्स आर हेयर। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। हम लोग को कोई भी अगर कुछ भी इंसर्ट करना होगा तो हम लोग इंसर्ट टैब में जाके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक ऑन शेप्स ऑन इलस्ट्रेशन ग्रुप। सेम प्रोसेस, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाके शेप्स में क्लिक करना होगा। सिलेक्ट द शेप्स दैट यू वांट टू इंसर्ट। ओके सिलेक्ट द शेप्स दैट यू वांट टू इंसर्ट एज पर योर चॉइस। आपके प्रेजेंटेशन में जो भी जो शेप्स आपको चाहिए वही शेप्स आप इंसर्ट करेंगे। ओके क्लिक व्हेयर एवर यू वांट टू इंसर्ट। ओके उसके बाद आप लोगों को क्लिक करना है जहाँ पे आप लोग वो जो शेप्स है उसको लेना चाहते हैं। ओके नेक्स्ट इज एडिंग टेक्स्ट इन शेप्स। सो ड्रॉ द शेप्स यूजिंग द अबव स्टेप्स। दैट मीन जो पहले वाला जो स्टेप्स है उससे आप लोगों ने स्टेप्स तो ले लिया है। नेक्स्ट इज राइट क्लिक ऑन द शेप्स। दैट मीन जो स्टेप्स है उसके ऊपर आप लोगों को राइट क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्लिक ऑन द एडिट टेक्स ऑप्शन। हेयर यू कैन सी द एडिट टेक्स ऑप्शन इज हेयर। ओके एडिट टेक्स ऑप्शन इज हेयर। टाइप योर टेक्स्ट। क्लिक ऑन द पॉइंटर्स एंड ड्रैग टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द शेप। आप लोग उसको जो शेप्स है उसका जो साइज है उसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं।
क्लिक आउटसाइड द सेव्स व्हेन यू आर डन, दैट मीन्स जब आपका जो टेक्स्ट खत्म हो जाएगा लिखना उसके बाद आप बाहर जाके क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद जो सेव्स है वो आपका जो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, टेक्स्ट विद विद टेक्स्ट। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग सेव्स। ओके, फॉर्मेटिंग सेव्स, व्हेन यू इंसर्ट ए सेव्स इन योर स्लाइड ए फॉर्मेटिंग टैब ड्राइंग टूल्स अपीयर्स इन द टाइटल बार। इट हैज़ वेरियस ऑप्शन लाइक एनहेंस टू लुक द सेव्स। हम लोगों को जो सेव्स हम लोगों ने लिया है उसका जो लुक है उसको चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, सम ऑफ द ऑप्शन डिस्प्ले इन द ड्राइंग टूल्स आर एडिट सेप्स, इंसर्ट सेप्स ग्रुप इन फर्दर हैज़ टू ऑप्शन चेंज सेप्स एंड एडिट ऑप्शन। हेयर यू कैन सी द इमेज चेंज सेप्स एंड एडिट सेप। टू चेंज द करेंट सेप्स और एडिट मीन्स टू एडिट द सेप बाई क्लिकिंग ड्रैगिंग एंड मॉडिफाइंग द इट्स पॉइंट। दैट मीन्स हम लोग आसानी से, हेयर यू कैन सी द इमेज इन दिस फर्स्ट पिक्चर द ओरिजिनल सेप्स इज हेयर। ओके, इन द सेकेंड पिक्चर इट विल बी मॉडिफाइड। ओके, दैट मीन्स जो मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं, जो कि हम लोग ड्रैग करके कर सकते हैं। ओके, इसको हम लोग कहाँ से करेंगे, एडिट पॉइंट से करेंगे। ओके, जो एक पॉइंट होता है उसको हम लोग एडिट करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेप स्टाइल्स। यू कैन चेंज द सेप फील कलर्स, सेप आउटलाइन कलर्स विथ स्टाइल्स, सेप इफेक्ट्स, सेप स्टाइल्स ग्रुप इन फॉर्मेट टैब इन ड्राइंग टूल्स। दैट मीन्स हम लोग जो सेप हम लोगों ने इंसर्ट किया है उसको हम लोग आसानी से उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। ओके, कहाँ से कर सकते हैं, फॉर्मेट टैब से जाके कर सकते हैं इन ड्राइंग टूल्स। ओके, हेयर यू कैन सी द टूल्स यूज टू चेंज द कलर फील्ड इन सेप्स। हेयर यू कैन सी द ड्राइंग फॉर्मेट टैब इज हेयर एंड द ड्राइंग कलर टूल्स इज हेयर। यू कैन चूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर फ्रॉम द सजेशन एज पर योर कॉन्टेंट, यू कैन चूज द कलर हेयर। ओके, नेक्स्ट इज सेप आउटलाइन। सेप आउटलाइन मीन्स जो बाहर जो हम लोग सेप का जो बाहरी जो आउटलाइन है उसके लिए बोल रहे हैं। दिस टूल इज यूज टू गिव द चेंज एंड आउटलाइन सेप्स। हेयर यू कैन सी द आउटलाइन ऑप्शन इज हेयर, सेप आउटलाइन ऑप्शन इज हेयर एंड यू कैन चूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर फ्रॉम दिस सजेशन। ओके, एज पर योर कॉन्टेंट यू कैन चूज एज पर योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट इज सेप इफेक्ट्स। सेप इफेक्ट्स मीन्स दिस टूल इज यूज टू गिव डिफरेंट इफेक्ट्स टू ए सेप्स। ओके, सो हेयर यू कैन सी फॉर्मेट टैब एंड सेप इफेक्ट्स। यू कैन चूज मूव द कर्सर ऑन द डिफरेंट इफेक्ट्स टू सी द इफेक्ट्स ऑन द पिक्चर्स। आप लोगों को जो इफेक्ट्स चाहिए वो यहाँ पे माउस क्लिक के जरिए आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट्स आपको अच्छा लगे एज पर योर कॉन्टेंट। ओके, एज पर योर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज रीअरेंजिंग द स्लाइड्स। Rearranging the slides after preparing and formatting the presentation, you wish to change the order of the slide. You can do so many perform the simple steps given below. First of all, click on the view tab. Now click on the slide sorter in presentation view group. हम लोग जब भी कोई भी प्रेजेंटेशन हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम लोगों को उसको रीअरेंज करना है, कौन सा स्लाइड आगे आएगा कौन सा स्लाइड पीछे आएगा, तो हम लोग ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लिक ऑन द व्यू टैब। ओके, नाउ क्लिक ऑन द स्लाइड सॉर्टर इन प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ व्यूज इन MS PowerPoint। उनमें से एक है स्लाइड सॉर्टर व्यू इन प्रेजेंटेशन ग्रुप। क्लिक ऑन द स्लाइड, देन क्लिक ऑन दिस स्लाइड यू वॉन्ट टू मूव। ओके, देन ड्रैग एंड ड्रॉप द सिलेक्टेड स्लाइड टू ए न्यू लोकेशन। दैट मीन्स आप लोगों को जो स्लाइड को आप लोगों को दूसरी जगह पे लेना है उसको सिलेक्ट करके उसको खाली ड्रैग करके न्यू लोकेशन में डालना होगा। तो फिर आपका वन बाई वन आप लोग अगर करेंगे तो आपका जो स्लाइड्स होगा वो रीअरेंज हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स टू बी फॉलो टू रीअरेंजिंग द स्लाइड्स इन MS PowerPoint 2016. Okay, I hope that all of you understand today's topic and all of you have to practice it at home. Okay, without practice you won't understand, and please read the chapter very very carefully to understand each and every steps of MS PowerPoint 2016. So today I am ending my discussion here. In my next video I will start a new chapter. So till then take care, goodbye and thank you.